इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके एक इंटीरियर पॉइंट से हम लोग तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तीनों साइड्स पे. सम ऑफ लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर इज एस, और हमको एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी ट्रायंगल में, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या लेंथ जरूरत होती है हमें. तो एक ट्रायंगल जब भी होता है, आप जब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके पहले के स्टेप समझ लें. समझ लो ये तीन एंगल है ए बी एन सी. तो आप क्या करते हो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ड्रॉ करते हो, मतलब एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगी, सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए, सिमिलरली थर्ड वाले के लिए. तो ये तीन जब लेंथ एक पॉइंट पे मिलते हैं तो हम इसको कहते हैं इन सेंटर. राइट, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर वो सेंटर होता है जिसका जिसपे कंपास रख के और एक परपेंडिकुलर लेंथ लेके, यहाँ से सामने के साइड्स का, किसी भी साइड का, इस साइड का या इस साइड का या इस साइड का, एक परपेंडिकुलर लेंथ लेके आप जो सर्कल ड्रॉ करोगे उस सर्कल को हम लोग कहते हैं इन सर्कल. राइट, ठीक है, तो ये इन सर्कल कहलाता है. और ये जो लेंथ होते हैं, जो परपेंडिकुलर लेंथ होते हैं, वो इन रेडियस कहलाते हैं. राइट, तो अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हमारा इन सेंटर होगा और ये हमारा इन रेडियस के बराबर होगा, ये भी और ये भी. ठीक है, अब इन रेडियस कैसे निकाले? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो अज्यूम करते हैं कि एक साइड का लेंथ क्या है, ए है. ठीक है, हमारा इन रेडियस जो कि आर होता है वो डेल्टा बाई एस होता है. डेल्टा बाई एस का मतलब है एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर. ठीक है, इसको एरिया हमारा जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके केस में होता है √3/4a², इसको डिवाइड कर रहे हैं सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस ए, सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, टू ऊपर चला जाएगा, तो ये √3/4a² (2)/3a. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, टू से टू कट होगा, √3 से √3 कट होगा, ए से ए कट होगा, तो ये आ रहा है a/2√3. ये आपका क्या आ रहा है, इन रेडियस. तो अब देखते हैं कि इससे आगे कैसे बढ़े. तो हमें पता चल रहा है कि ये जो इन रेडियस है मेरा वो a/2√3 है. आई नो कि चूंकि p1 = p2 = p3 वो क्या है, a/2√3 है. सो जब हम सम निकालेंगे इन तीनों परपेंडिकुलर का जो कि हमें गिवन है SK=, तो ये हो जाएगा 3 into a/2√3. अब √3 से 3 √3, तो √3a/2 will be equal to s फॉर मी. अब मुझे s मिल गया, अब मुझे एरिया निकालना है. राइट, तो मेरा ए क्या हो रहा है, मेरा ए हो रहा है 2s/√3. ये मेरा ए आ गया, और मुझे निकालना क्या है, एरिया. एरिया क्या होता है इक्विलेटरल के केस में, √3/4 into a² √3/4 एज इट इज रखो, ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4s² एंड देन √3 का स्क्वायर विल बी व्हाट 3. ठीक है, 4 4 जाएगा कट. ठीक है, √3 से 3 कटेगा तो √3, तो s² / √3 will be your answer. आंसर ऑप्शन चेक करते हैं. राइट, तो ऊपर जाके आंसर ऑप्शन चेक करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी इज द आंसर. ये सी ऑप्शन हमारा आंसर है. लेट अस चेक, सी इज द राइट आंसर. This is the correct answer. So thank you for this watching this video, and please subscribe my channel.